पाकिस्तान मेमन जमात 15 फरवरी 1948 में कयाम पाकिस्तान के बाद बनने वाली सबसे पहली जमात। पीएमजे मेडिकल सेंटर 35 सालों से मेमरान जमात और अहले कराची की खिदमत में पेश है, जिसमें ओपीडी, गायनी ओपीडी, लेबोरेटरी, एक्सरे, कंसल्टेंट क्लिनिक्स, आई, डेंटल और फिजियोथेरेपी के शोबे काम कर रहे हैं, जिसमें जमात के मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त तमाम सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। मैं जमात के मुखिया दोस्तों से मुखातिब हूँ और उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये सेंटर जो 1985 से हम चला रहे हैं, इसके अंदर मजीद तोसी की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही थी, तो हम इसको तोसी कर रहे हैं इसकी, और इसके ऊपर तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना है, जिसमें से 1 करोड़ 20 लाख रुपए हम खर्च कर चुके हैं। जो हमने बाहर की दुकानें खाली करवाई है, अंदर के फ्लैट खाली करवाए, और मजीद 3 करोड़ 80 लाख रुपए लगता है, ये सारा साफी खर्चा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर काम करेंगे जमात के साथ, ये सारा साफी होगा। जुड़ा इस वक्त ये मेडिकल सेंटर 1500 स्क्वायर फीट पर मुहित है। इंशाल्लाह अब इसमें मजीद 4000 स्क्वायर फीट की तौसी करने का मंसूबा है। इस मंसूबे में मुंदजा बाला तमाम सहूलियात को अपग्रेड किया जाएगा, मजीद कंसल्टेंट क्लिनिक्स कायम किए जाएंगे, जिसमें मुल्क के मारूफ डॉक्टर्स अपनी खिदमात अंजाम देंगे। मौजूद मेंबरान जमात, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मेमन जमात ने हमेशा से अपना फोकस तालीम पे रखा है, और तालीम के साथ साथ अब सेहत पे भी अपना फोकस करने जा रही है। 1985 से मेडिकल सेंटर चल रहा है, लेकिन अब इसमें तोसी की जा रही है, और ये तोसी 1500 स्क्वायर फीट से 5500 स्क्वायर फीट पे होगी। मेमरान के साथ साथ यहाँ के अहले महल्ला भी इससे मुस्तफीद होंगे, और मैं इस सिलसिले में आप लोगों से ताउन की उम्मीद रखता हूँ। तमाम मेमरान जमात से गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने एहतियात और ज़कात पाकिस्तान मेमन जमात को दें, ताकि हम इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचा सके। इस मंसूबे के लिए तकरीबन 7 दुकानें खाली करा ली गई हैं, जो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई हैं। इस मंसूबे में शामिल करने के लिए 2 फ्लैट तकरीबन 35 लाख रुपए में खरीदे गए हैं, और एक फ्लैट मरहूम मोहतरम फारूक छाबरा साहब की फैमिली ने डोनेट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज बखला, पाकिस्तान मेमन जमात जे बिहाफ तयान से मुखातिब है। असा जे मेडिकल सेंटर जे हवाले से एक्सचेंज थिल्ला बनी रहा है मेडिकल सेंटर, जिनमें 5 करोड़ रुपए जो खर्च हुआ है, इनमें से 1.5 करोड़ रुपया पाकिस्तान मेमन जमात ऑलरेडी खर्च कर ही चुकी है, ने बाकी 3.8 करोड़ रुपये आयन से अपील है कि आयन में हिस्सों गिनो, लेकिन आए असा जो बटा अचो, जान से, माल से, वक्त से असा के सपोर्ट करो, असा के ना अचो खपे, आए असा जो बटा अचो, इनमें हिस्सों गिनो, जजाक अल्लाह खैर। पाकिस्तान मेमन जमात अपने मुखैर मेम्बरान से अपील करती है कि इस मंसूबे में हमारे साथ शामिल हो और अपना हिस्सा मिलाए। पाकिस्तान मेमन जमात के तमाम मेम्बरान जैसा कि बढ़ चढ़ कर अपने फलाही कामों में हिस्सा लेते रहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान मेमन जमात के मेम्बरान से खुसूसी दरख्वास्त है कि मेडिकल सेंटर की तोसी के सिलसिले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और ताकि इलाके के लोगों और अपने मेम्बरान को इससे खुसूसी फायदा हो, तमाम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पाकिस्तान मेमन जमात हर दुख में अपनों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आई से मेडिकल सेंटर, पीएमजे मेडिकल सेंटर के हवाले से अपील करनी हुई कि जो नसीराबाद से पांजो कायम है, ने अरसा दराज से रवा दवा है, असा तकरीबन 1500 स्क्वायर फुट से मुश्तमिल है, जिनके हमें असा बदल लिया तकरीबन 5500 स्क्वायर फुट तो उनके करी रहे हूँ, जिनमें बाहर की जो दुकानों ने फ्लैट्स वगैरह हैं, उनके परचेज करने में जमात तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया खर्च करी चुकी है, ने पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन वर्ष से 1.5 वर्ष जो 5.5 करोड़ रुपये है, 5 से 5.5 करोड़ रुपये है, जिनमें अजी जमात के तकरीबन 3.5 करोड़ की जरूरत है। तो मुझे तमाम मुखैर हजरात से, ने जो असा डोनर इन मुस्तकिल लोग से अपील है कि इनमें वधार से वधार रमजान के हवाले से इन्हें दिए पोते साथियों से जराये से भी ताउन कराएं, ताकि ये ऐसा इन मामले के जल्द से जल्द कम्प्लीट कर जाए। एहलिया ने पीएमजे लाई भी, आस पास के इलाके लाई भी, इतना बड़ा मेडिकल सेंटर कोई जो भी नहीं, रफाए आम के हवाले से जजाक अल्लाह। हर दुख में, मुश्किल में, परेशानी में अपनों के साथ पाकिस्तान मेमन जमात।